हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1.8 के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8 हमें ये कहता है कि दो चार्जेस हैं, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। मैंने इसे बड़ा एज्यूम किया है, बट एक्चुअली दे आर पॉइंट चार्जेस, वो पॉइंट चार्जेस हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 20 × 10⁻²। तो हमें पूछा गया है कि पॉइंट ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पॉइंट ओ पर अगर आपने फील्ड निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है वो पॉजिटिव से अवे होगा, ये हो गया हमारे पास ई पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा, तो ये हो गया हमारे पास ई नेगेटिव, और क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए एड हो जाएंगे। तो ई पॉजिटिव कितना होगा? ई पॉजिटिव हमारे पास होगा के इंटू क्यू, क्यू किस गए 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉजिटिव से ओ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने इसे मीटर में बना लिया, तो ये हमारे पास फील्ड आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 3 माइक्रो का 10⁻⁶, ये 10⁻⁻¹, इसका स्क्वायर करेंगे -2, 10⁻⁻² ऊपर ले जाइए हो जाएगा +2, 9 और 2 11, 11 में से 6 माइनस कर देंगे 10⁻⁵, तो ये आपके पास हो गया 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। It would be better to write 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पर पॉजिटिव की वजह से, और इतना ही फील्ड होगा नेगेटिव की वजह से, और इसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में है, और नेगेटिव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगी, तो जो नेट फील्ड है वो डेफिनेटली इसका डबल हो जाएगा जोड़ने पर। तो जब आप इसको डबल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो चलिए, ये क्वाइट सिंपल न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम इसी के पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.5 नैनोकूलम को इस पॉइंट ओ पर रख दिया जाए, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी यहां पर अगर आप एक चार्ज रख दें कितनी वैल्यू का, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। वेरी सिंपल इट इज, इस पर लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स का जो फार्मूला है वो कितना होता है हमारे पास, E मल्टीप्लाइड बाई टेस्ट चार्ज। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁹, फील्ड की वैल्यू है 5.4 × 10⁻⁶, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो आप मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1.8 था, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.9। तो क्वेश्चन नंबर 1.9 की स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ए सिस्टम हैव टू चार्जेस, एक सिस्टम में दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों बराबर वैल्यू के और ऑपोजिट पोलैरिटी के, यानी एक डाइपोल की तरह हम कह सकते हैं। दोनों को कहां रखा गया है, लेट अस सी। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, 0 0 −15 सेंटीमीटर, ये आपके पास जो चार्ज है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इतनी वैल्यू का नेगेटिव −2.5 × 10⁻⁷ कूलम। इस चार्ज का जो लोकेशन है ये दिया हुआ है आपको 0 0 −15 सेंटीमीटर, यानी जेड एक्सिस के ऊपर 15 सेंटीमीटर नेगेटिव में, और इस चार्ज का लोकेशन दिया हुआ है 0 0 + 15 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे हम सेंटर मान लेते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो गई। सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। इस दिए गए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना है। सबसे पहले हमें Q टोटल निकालना है। ये एडिटिविटी हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज अलग अलग चार्ज के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, एक चार्ज है आपके पास +2.5 × 10⁻⁷, और दूसरा है −2.5 × 10⁻⁷, एड होने पर हो गया 0, तो नेट चार्ज है 0। दूसरा ये पूछ रहे हैं नेट डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है,
और डाइपोल का लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बना लीजिए मीटर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस जीरो को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 25 को 3 से करेंगे 75 × 10⁻¹⁹, तो आप इसे लिख सकते हैं 75 7.5 × 10⁻¹⁸, इसका जो ऐसा यूनिट है कुलाम इंटू मीटर, तो आप कह सकते हैं दिस विल बी द आंसर कुलाम मीटर में। ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं नेगेटिव के कैप कूलाम मीटर। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1.9 का, जो कि डाइपोल पर बेस्ड था। चलिए, इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे। एक नए वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए घर में रहे, खुद को, अपने परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद।